13.2.2 वस्तु की विभिन्न स्थितियों में गोलीय दर्पण के किरण आरेख रे डायग्राम्स। क्रियाकलाप 4 में किए गए अपने अवलोकनों के आधार पर परावर्तन के नियमों का उपयोग कर किरण आरेख द्वारा प्रतिबिंब बनाने का प्रयास करें। अ अवतल दर्पण के किरण आरेख। पहला, जब वस्तु अनंत पर हो। दूसरा, जब वस्तु सी के पीछे हो। तीसरा, जब वस्तु सी पर हो। चौथा, जब वस्तु एफ व सी के बीच हो। पांचवा, जब वस्तु एफ पर हो। छठवा, जब वस्तु एफ व दर्पण के बीच हो। ब उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के किरण आरेख। उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का अध्ययन करने के लिए हम वस्तु की दो स्थितियों के बारे में विचार करेंगे। पहली स्थिति में वस्तु अनंत दूरी पर है तथा दूसरी स्थिति में वस्तु दर्पण से एक निश्चित दूरी पर है। चित्र 12 के अनुसार उत्तल दर्पण द्वारा बन रहे प्रतिबिंब की प्रकृति तथा अपेक्षित साइज को सारणी 2 में भरें। अ जब वस्तु अनंत पर हो। ब जब वस्तु उत्तल दर्पण से एक निश्चित दूरी पर हो। सारणी 2 अवतल दर्पण में परावर्तित किरणें वास्तविक रूप से मिलती हैं, जबकि उत्तल दर्पण में परावर्तित किरणें किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं या आभासी रूप से मिलती हुई प्रतीत होती हैं। आभासी प्रतिबिंब की स्थिति प्रकाश की किरण आरेखों में परावर्तित किरणों को पीछे बढ़ाकर ज्ञात की जाती है। किरणों के इस आभासी भाग को बिंदुवत रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्या आपने यह नोट किया कि वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है? प्रश्न, बताइए कि आप समतल, अवतल तथा उत्तल दर्पणों की पहचान स्पर्श करके व प्रतिबिंब देखकर किस प्रकार कर सकते हैं?